अपने ननद के यहाँ जा रही हूँ और मैं हूँ अभी रास्ते में, मैं अभी आ गई हूँ कम से कम 10 किलोमीटर से ज़्यादा ही आ गई हूँ। और मेरे साथ है मेरा बेटा काना, दीपक इधर को देखो दीपक, और मेरे ठीक सामने है लक्ष्मी टेम्पल बेरी पड़ाव, बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं अभी शाम के। और आप लोग भी कर लीजिए दर्शन, और जो भी विश मांगनी है आप लोग मांगिएगा, जरूर यहाँ पर विश जो है वो पूरी होती है। मंदिर, और यहाँ पर अभी पूजा चल रही है, आज है पूर्णमासी तो बहुत श्रद्धालु लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा मंदिर है। और काफ़ी बार मेरे काफ़ी ब्लॉग भी हैं यहाँ के मंदिर, तो मैं और दीपक हैं आज साथ में, तो आज जरूरी जाना पड़ा मुझे क्योंकि मेरे भांजे की तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रही है, तो उसी को देखने के लिए जा रही हूँ। और चलते हैं आगे, मिलते हैं सिरे भाई। हम हल्दीचौड़ पहुँच गए हैं और दीपक को दिख गए यहाँ पर पानी के बतासे, और दीपक बोला मम्मी पानी के बतासे खाने, तो अभी खा लेते हैं यहाँ से फिर चलते हैं आगे। तो हैं कुछ नहीं, क्या खुश हो गया बेटा मेरा? कौन से वाले? ये वाले, ये सूर्य वाले बेकार होते हैं, ये वाले खाने इसको ना, ये वाले खाने कह रहा, ये इतने ही है क्या? उतने ही है वो, अगर मेरे को खाली बैठी वो तो ये मत मिक्स, चल खा ले पहले इसको, खिला दो पहले। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हल्दीचौड़, और दीपक तो आते ही खाने लग गया आम यहाँ पर, और दीदी चाय बना के लेके आ गए हैं, और उससे पहले हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली है, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। तो अभी दीदी से मिलाती हूँ, जेठानी लोग अभी पहुँचे नहीं हैं, वो उनको टाइम लग गया आने में, अंधेरा भी हो चुका है, टाइम भी कम से कम क्या 7:45 का टाइम हो गया, 8:05 है अभी, काफ़ी टाइम हो गया, जेठानी लोग अभी भी नहीं पहुँचे, मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया है, और मैंने काफ़ी गपशप भी मार ली है, और अभी दीदी से मिलाती हूँ आपको। तो मेरे लिए गुड़ की चाय बन के आ गई है, ये ज़्यादा वाली शायद मेरे लिए होगी, कम वाली दीदी अपने लाए होंगे, और ये मेरे लिए आई होगी यहाँ पर चाय। दीपक यहाँ पर आके आम खाने में लग गया है, और टोकरी भर के आम रख दिए हैं बुआ ने इसके आगे। तबीयत कैसी है? ठीक हो? ठीक हूँ आप? खुशी का फोन आ गया? हाँ, हाँ खुशी, हाँ। बोल क्या? कुछ नहीं, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। हाँ तू भी आ जा। हाँ दी आ गए, और काली बैगी ना, और ये हमारी दीदी, ले भैया ये तो स्कूटी में आने वाले थे, ओ हो रही तो देख लियो, बताओ आप कोई बात रही। अच्छा नहीं, मेरे को भी कार में ले आते फिर ये, तभी तो देख लिया मैंने तुमको, आज पहचान गई मैं, आप पहचान लिया तुमको पहचान लिया मैंने, हैं? तो भाभी लोग भी पहुंच चुके हैं कार लेके, और मेरे से तुमने जा कह दिया ना, कोई बात नहीं मेरे को क्यों, मैं क्या कर रही थी तुम दोनों को? हाँ कोई नहीं है, व्यूअर्स हैं मेरे, देख रहे ना आज देखो कैसे जेठ और जेठानी हैं करके मेरे साथ धोखा नहीं है, अमेरिका में आ रहा हूँ बस, आप चलो। क्यों नहीं रखोगी? तुमको पता नहीं था क्या? हो ही नहीं सकता ऐसा, ऐसा हो सकता है कि आदमी को पता है आदमी की बात और उसको पता नहीं हो? नहीं ऐसा नहीं, मैं आ रहा हूँ बस, ओके। कोई बात नहीं मेरी गाड़ी जिंदाबाद भाई, ये मेरी गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, कोई बात नहीं। इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, धोखा आज से देख लूंगी मैं भी, कोई बात नहीं। तो धोखेबाज जेठानी और जेठ जी, धोखेबाज आज का मेरा थंबनेल टाइटल यही रहेगा, धोखेबाज जेठानी जी जेठ जी, जेठ जी और जेठानी जी धोखेबाज। नहीं धोखे वाली बात है, तुमने मेरे को क्यों नहीं कहा फिर? हम गाड़ी क्यों, तो अभी होने लगी खाने की तैयारी, और दीदी को खाना देने लग गए हैं, और यहाँ भांजी हमारे लिए बना रही हैं रोटियाँ, भांजी गरम गरम रोटियाँ बना रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर सी रोटी, और दीदी ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे लिए बन रही हैं भांजी रोटियाँ बना रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर गोल गोल रोटियाँ, और यहाँ पर बनी है पनीर, तो आज पूर्णिमा है इसलिए इसमें प्याज व्याज नहीं डाला है ना, हाँ
तो यहाँ पर पनीर बना रखा है दीदी ने हमारे लिए, और भिंडी की सब्जी बनाई है, रोटियाँ बन रही हैं और दही है। तो गांव में आए हैं तो दही तो होना ही है, और रायता है, और ये दही है। और दीदी हमारे लिए क्या क्या बनाया तुमने बताओ। अरे बना तो बहुत कुछ था, तुमने बताया नहीं। हाँ। आज पूर्णिमा हो गई, नहीं तो मैं तुम्हारे क्या क्या बनाती। हाँ और तो हम कुछ खाने वाले हुए नहीं, हम तो सिंपल खाने वाले हैं। हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, अब हम शाकाहारी हो गए हैं, पर हमारे लिए फिर भी बहुत कुछ बना है। और भाभी लोग बैठे हैं यहाँ पर, भांजे और दीपक दोनों खाने में लगे हैं। और खाना कैसा हो रहा? अच्छा हो रहा। पनीर कैसा हो रहा? बढ़िया। और हरी सब्जी अच्छी हो रही? हाँ। कैसा हो रहा बेटा बुआ के यहाँ का खाना? अच्छा हो रहा है, खाना लगा पनीर खाने में, और दही और साथ में रोटी। खुशी है, और खुशी। हाँ खुशी अभी आएगी। और भाभी और जिया जी और दादा बैठे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर खा रहे हैं दो तीनों जने। जिया जी हो गए और भाभी दादा तीनों लोग यहाँ पर सलाद और सब्जी वगैरह खाने में लगे हैं, गपशप मारने में लगे हुए हैं। तो हम लोगों को ना यहाँ हल्दीचौड़ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पर बहुत खुला खुला है, गांव है, और हम लोग शहर में रहते हैं, यहाँ पर गांव है तो बहुत अच्छा लगता है। और जोशी जी को बहुत पसंद है यहाँ, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है। और क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलता आने का, और जब जोशी जी घर में आते हैं तो हम सबसे पहले यहीं आते हैं, और नहीं तो दीदी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दीदी हमारे बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, अगर हम गुस्सा होने की बात करोगे तो गुस्सा रहेंगे भैया। बहुत जल्दी गुस्सा आता है इनको, गुस्सा जो है। देखो नानू में क्या बोली थी बता, कुछ बोला मैंने ऐसा? दीदी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। नहीं मैंने ये कहा कि अगर हम यहाँ देर में आते हैं तो दीदी को गुस्सा आ जाता है, सही तो बोला फिर? फिर मतलब हम जल्दी जल्दी यहाँ, आज तो मैं बहुत टाइम में आ रही हूँ, 6 महीने में आ रही हूँ। दीदी मेरे लिए फोन आज हैंग क्यों कर रहा है? दीदी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, दीदी को गर्म में खाना लेके आ गए हैं मेरे लिए, पनीर की सब्जी, रायता, दही, पालक। ये सब्जी खाई है? चौलाई प्याज, चौलाई प्याज और रोटियाँ और भिंडी की सब्जी। क्या क्या खाऊँ मैं? आओ तुम भी इसी में खा लो। तो खाते हैं मस्त वाला खाना, बच्चों ने खा लिया है और हम भी खाते हैं खाना। मैं थोड़ी देर में खाने वाली थी लेकिन काना ने ना खाना छोड़ दिया प्लेट में, तो दीदी ने बोला तू खा ले। अभी हो गया है रात का 10:30 का टाइम, और हम खाना खा के बैठे हुए हैं। तो मेरे को भी दीदी ने ये वाला गाउन दे दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है दीदी? ये बहुत अच्छा लग रहा है तेरे को करके, कलर बड़ा मस्त लग रहा है। तो हो गया सोने का टाइम, और हम भी थोड़ा सा गपशप मारते हैं, कमेंट करते हैं। आज का वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।